भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रशिक्षण वर्ग में जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही फूट डालो शासन करो की राजनीति पर कार्य करती आ रही है। उसका काम समाज के हर जाति वर्ग विशेष में भेदभाव पैदा करना है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दावा करने से सरकारें नहीं बनती हैं, इसके लिए जनता का विश्वास जीतना होता है। और जनता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भलीभांति जान चुकी है। वर्तमान समय में जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में ही जनता ने कांग्रेस को उसका असली चेहरा दिखा दिया है। कांग्रेस को उपचुनाव में मिली हार इस बात का प्रमाण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास करती है। ये देखिए कांग्रेस, ये उनका काम है, वो क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास, गुड गवर्नेंस और अपने संगठन के काम के बल पर गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक उतारना, हम तो इस काम में जुटे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो फूट डालो राज करो उनके जीन्स में आज भी है, केवल वो यही कर सकते हैं। समाजों में, वर्गों में विभेद कैसे पैदा हो, झूठ कैसे बोला जाए, छल कैसे किया जाए, तो मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को भी देखा है, दिग्विजय सिंह को भी देखा है। इस मध्य प्रदेश के अस्तित्व खो रहे कांग्रेस के नेतृत्व को गहराई से देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि जनता उनको जानती है अच्छे तरीके। कमलनाथ जी लगातार ट्विटर करके कर रहे हैं, अब भाई कोई सपना देखे मुख्यमंत्री बनने का तो रोज देखे, मुझे इसमें क्या अंतर है, हमें क्या अंतर पड़ेगा, सपना कोई भी देख सकता है। तो ये सपना वो रोज देखते हैं, हर बार तो घोषणा करते थे अगली बार मुख्यमंत्री बनना हूँ, अभी मैं देख रहा था पोस्टर लग रहे हैं कि अगली सरकार, तो कोई इनसे नहीं होता। जनता के बीच काम करने से जनता का विश्वास जीतने होता, सरकार मेरे कहने से कि मैं सरकार बना रहा हूँ इससे नहीं होता, सरकार जनता बनाती है। और जनता ने तुमको करके दिखा दिया, 28 उपचुनाव थे, आपको आईना दिखा दिया कि दुरावस्था का दौर नहीं चलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर जनता का विश्वास है। आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं में जो इन्होंने गरीबों का हक छीन लिया था उसको देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, तो जनता भाजपा के साथ खड़ी है।